अचानक दरवाज़ा खुला न्यूज़ रूम का और मैंने देखा एक कोई G3 राइफल या मशीन गन थी मेरे ख्याल में, उसकी नाली अंदर आई और उसके पीछे एक मेजर साहब वो अंदर आए और साथ ही ये कहा कि हुक्म दिया मुझे कि द न्यूज़ अबाउट द आर्मी चीफ विल नॉट बी यूज ऑन PTV विल नॉट बी एयर्ड नाउ। मुझे बताया गया कि आज कुछ होने वाला है तो आप अपना कैमरा मैन लेके तो आप PTV के सामने पहुँच जाए, PTV हेडक्वार्टर के सामने पहुँच जाए। तो मैंने कहा क्या होने वाला है, तो मुझे वो जो साहब थे उन्होंने कहा अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि कैमरा मैन लेके तो PTV हेडक्वार्टर के सामने पहुँचा तो क्या होता है। मैंने कहा तो इसका मतलब है कि मार्शल लगने वाला है, तो उन्होंने क्या क्या लगाया तो मुझे समझ आ गई। वाकया हो चुका था जनरल जहांगीर करामत को रिमूव करने का, और उसके बाद ये इतलात भी हमारे पास मौजूद थी कि फ़ौज के अंदर जो है वो अपने आर्मी चीफ के साथ इस सलूक के बारे में अच्छे जज्बात नहीं पाए जाते थे, और ये भी कहा जाता था कि जी मियाँ साहब के मुंह को अब खून लग गया है और ये दोबारा भी कोई इस किस्म की हरकत करेंगे तो उसका कोई रद्द अमल भी होगा, और वो रद्द अमल हुआ भी। 12 अक्टूबर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके ऊपर शब खून मारने का एक और दिन है जिसको कभी भी अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जा सकता, और एक स्याह दिन के तौर पर आज भी पाकिस्तान के अंदर इस के बारे में बात की जाती है। बारह अक्टूबर 1999 को ट्रांसमिशन बंद कर दी गई, और ये मेरे ख्याल में PTV की तारीख में पहली बार हुआ कि 9 बजे का खबरनामा नहीं चला था उस रात, ये कभी ऐसा हुआ नहीं था। और उसमें फिर सुबह जाके तकरीबन 4 बजे PTV से हमें जाने की इजाज़त मिली। तब तक जनरल मुशर्रफ का एक रिकॉर्डेड जो खिताब था वो भी हो चुका था जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि फौज ने टेक ओवर कर लिया है। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, योर आर्म फोर्सेस हैव नेवर and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. 12 October 1999 का जो मिलिट्री कू है वो मुझे आज भी ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। 2 ट्रक आए हैं और एक ट्रक में कुछ सिविलियन भी थे और एक कर्नल साहब को मैं पहचानता था, वो सिविलियन ड्रेस में थे, ऐसा लगता था वो जल्दी जल्दी आए हैं वहाँ पे। दूसरे ट्रक में ट्रूप्स थे और उन्होंने PTV हेडक्वार्टर को अबूर किया, गेट फांदे अंदर गए और अब हमने देखा हमारे आंखों के सामने मिलिट्री कू हो गया, और बड़ी आसानी से 2 मिलिट्री ट्रक आए और उन्होंने PTV हेडक्वार्टर पे कब्जा किया। ये एक अजीब सी फिज़ा उस दिन रेडियो पाकिस्तान की थी, अतराफ में उस पूरी सड़क के ऊपर जो कि शाहराह दस्तूर है उस पर फ़ौज की गाड़ियाँ थीं, और एक खामोशी थी इस्लामाबाद के अंदर जो आज भी मुझे याद है। रेडियो पाकिस्तान के बाहर भी बख्तरबंद गाड़ी थी, रेडियो पाकिस्तान के अंदर भी थी, और जा बजा आपको जो है वो हमारे जो अहलकार थे वो नज़र आ रहे थे। तो एक बड़ा एक सैड सा, बड़े एक तकलीफ़ दे और अफसोसनाक मराहल थे ये कि एक हुकूमत को जो है वो बरतरफ किया गया। एज अ जर्नलिस्ट तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि कोई इस किस्म का इकदाम होने जा रहा है। माशाल्लाह ये एक्शन हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहदे से हटा दिया है, और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो हैं उनको उनकी जगह पे नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। मैं ख़ुद जो है वो PTV की तरफ गया, रास्ते में हम जाते हुए देखते गए क्योंकि वही गुजरगाह थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की और प्रेसिडेंसी की भी, तो वहाँ से गुजरते हुए हमने ये देखा कि जो सेक्रेटेरिएट ब्लॉक वाली साइड है रोड की जो पार्लियामेंट की तरफ है वो वहाँ पे ट्रुप्स थे, मौजूद थे, गाड़ियाँ भी थीं उनकी, और वो रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए नहीं था। दूसरे वाली सामने वाली रोड जो है वो उससे ट्रैफिक जो है वो दोनों तरफ की चल रही थी। जगहों पे मुख्तलिफ कमरों में हमें महदूद किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप इधर जा सकते हैं, इधर नहीं जा सकते। कंट्रोल रूम की तरफ मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ही वो, जब ट्रांसमिशन बंद होगी तो वो तो फिर बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो गया एरिया, सिर्फ न्यूज़ रूम के हद तक मूवमेंट की इजाज़त थी या कहीं जाने के लिए भी हमें जो थी इजाज़त दरकार होती थी। मगर कुछ देर बाद जब वो ISPR के लोग आ गए तो चीज़ें थोड़ी सी रिलैक्स हुई,
और हम जो है वो कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते थे। मतलब एक टसल थी कारगिल के बाद जो कि सिविलियन गवर्नमेंट के साथ थी, और जाहिर है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो कि मियां नवाज शरीफ बार बार बाद में भी कह चुके हैं कि उनको मालूम नहीं था कि ये ऑपरेशन जो है वो किया जाना है। जनरल जियाउद्दीन भट्ट से लेके फिर उसके बाद ये कू, और फिर जो श्रीलंका से प्लेन आ रहा था जिसपे के जनरल परवेज मुशर्रफ थे, कहाँ पे उनको इत्तला मिली, और फिर कराची के कंट्रोल टावर जो हैं उस पर किस तरह से उनको लैंड करने के लिए जहाज़ को जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही थी, और वो जहाज़ ऊपर ही जो है वो गर्दिश कर रहा था। इतनी देर में यहाँ पे कमान की तब्दीली होनी थी। उस वक्त मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर वज़ीर आज़म थे, एक 2/3 मेजोरिटी वाले वज़ीर आज़म थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या हो रहा था ये भी काफ़ी दिनों तक जो है वो टॉक ऑफ द टाउन रहा। तकरीर करना चाहते थे, उनको तकरीर से रोका गया। ये वो टसल थी जो वजह बनी जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ मामलात को ख़राब करने की और होने की, और जो सब कुछ पीछे की कहानी थी वो मंजरेआम पर आ चुकी थी, वो खुल के सामने आ गई थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो बाकायदा उन्होंने इक्तदार संभाल लिया है, कू कर लिया है और एक जमहूरी हुकूमत को बरतरफ कर दिया। कराची ब्यूरो से हमने कराची की स्टोरी मंगवाई और इस्लामाबाद में जो हो रहा था वो हमने इस्लामाबाद मैंने भी देखा, मेरे साथ रिपोर्टर भी थे, कैमरामैन भी थे, तो वो सारी जो सूरतेहाल थी वो हमने एक बतौर एक आई विटनेस के वो सारी सूरतेहाल है वो हमने उसको रिपोर्ट किया था। तो हम सारी रात जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पे घूमते रहे, हालांकि किसी टीवी के लिए रिपोर्टिंग नहीं करनी थी, टिकट्स नहीं देने थे, लेकिन अपने अखबार के लिए उसके उस दिन के लिए भी और उससे अगले दिन के लिए भी हमने जो चीज़ें चाहिए थी उसके लिए जगह जगह पर मुख्तलिफ स्टेशंस जहाँ पे हमें पता है कि कोई ख़बर निकल सकती थी हमें रात को वहाँ पे विज़िट करना पड़ा सर्दियों की रात में। मेरे ख्याल में ये तो कभी स्टोरी हुई नहीं ना, ना ही कभी किसी ने आज तक इसके बारे में बात की, ना ही जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में इस वाक़े का जिक्र किया, मगर पीटीवी के अंदर जो ये वाक़ा था यकीनी तौर पर बड़ा ही एक बड़ी मैं समझता हूँ एम्बेरसिंग एक सिचुएशन थी। उस वक्त के हालात वाकई कुछ इस तरह के थे कि जिसमें सब अच्छा नहीं था, दोनों अतराफ में एक डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट था और एतमाद का फुकदान होने की वजह से किसी वक्त भी किसी चीज़ की भी आप तवक्को कर सकते हैं, और फिर बहरहाल पावर जिसके पास है उसको एज हासिल होता है, उसका हाथ ऊपर होता है। 12 अक्टूबर 1999 से जो सबक पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की ममलिकत को, रियासत को, अवाम को, सियासतदानों को हासिल करना होगा, करना चाहिए और करना है वो ये है कि आप पाकिस्तान का जो आइन है जो कि मुतफ़िक़ा आइन है 1973 का, उसके अंदर जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, जो मीडिया की आज़ादियाँ हैं, जो सियासी आज़ादियाँ हैं, और फिर जो वो कॉन्ट्रैक्ट है आवाम का रियासत के साथ उसको इंटैक्ट रखा जाए और उसी के ऊपर अमल दरामद किया जाए, तब कहीं जाके हम 12 अक्टूबर की जो सिचुएशन है या इस तरह के जो आमराना इकदाम हैं इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकेंगे। और जब तक जो आइन तोड़ता है उसको सज़ा नहीं मिलती, ज़ाहिर है कि हम आगे का सफ़र कैसे करेंगे। 1999 के मिलिट्री कू से पहले भी मैं यही बातें सुना करता था और अब 2020 है और अभी भी मैं ये बातें सुनता हूँ, तो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं दुनिया बदल गई है और पाकिस्तान में मार्शल नहीं लग सकता, तो मैं मजबूरी के आलम में उनको ये कहता हूँ यार आप सही कहते हैं दुनिया बदल गई है, लेकिन पाकिस्तान नहीं बदला।